मेरी याद दर्द भी होता है आंख भर जा सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस आप कुछ इस तरीके का नेचुरल लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो गाइस, आपको काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके ज्वाइन करना है आपको, और वहां से जाके काइन मास्टर ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको करने क्या होगा, यहाँ पे आपको अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऊपर की ओर क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको अब करने क्या होगा, आपको यहाँ पे की वाली बैकग्राउंड पिक का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आके इसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको करने के है, इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपकी इसकी लेंथ को खींच के इस तरीके से आपको बढ़ा देना है। तो यहाँ पे गाइस आप जितना बड़ा स्टेटस वीडियो बनाना चाहें उतनी बड़ी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की लेंथ को कर लेना है। बैकग्राउंड की लेंथ बढ़ाने के बाद गाइस आपको करने के इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और आपके यहाँ पे पैन एंड जूम के ऑप्शन में क्लिक करना है, और इक्वल करके इस तरीके से थोड़ा ऊपर की ओर इसको आपको चांद को रखना है, आपको जो बाद में बैकग्राउंड पे मस्त दिखाई दे। तो आपको यहाँ पे इक्वल करने के बाद गाइस आपको यहाँ से होना है बैक, और इसकी एडजस्टमेंट पे जाना, और इसका ब्राइटनेस आपको थोड़ा सा कम कर देना है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस इसका थोड़ा सा कम करना है, और कम करने के बाद इस आप यहाँ पे इसका वेगनेट भी ओपन कर देना है। वेगनेट ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे करने क्या होगा, आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और लेयर के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इस आपको मीडिया पे चले जाना है। तो मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करने क्या है, आपको यहाँ पे एक ये वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा का भाग कट कर देना है, जहां से आपका ये इंट्रो समाप्त होगा आपको वहां पे आना है, और कैंची के ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा वर्क कट करने के बाद इस आपको इसको खींच के स्टार्टिंग से रखना है, और स्टार्टिंग से रखने के बाद इस आपको करने के है, सबसे पहले इसकी क्रोपिंग पे आपको जाना है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और क्रोपिंग पे जाना, और इसमें ऊपर की ओर से थोड़ा सा कट कर देना है, और यहाँ पे नीचे की ओर से इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा कट कर देना है। और कट करने के बाद इस आपको करने के है, इसका मास्क इनेबल करना है, और इसका फेदर आपको बढ़ा देना है। फेदर बढ़ाने के बाद इस आपको करने के है, अब आपको इसके ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, और इसके क्रोमा की पे आपको चले जाना है। क्रोमा की पे जाने के बाद ही सबको इसका क्रोमा की आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ही सबको इसके की कलर पे जाना है, और की कलर आपको यहाँ पे इसका ग्रीन कर देना है। तो यहाँ पे आपको इसका की कलर ग्रीन सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे हल्की सी सेटिंग कर लेना है, जिससे ये देखने में काफी मस्त दिखाई देगा। तो आपको इस तरीके से सेटिंग को कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके से सेटिंग कर दिया है। तो यहाँ पे इसका अच्छे से बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन को आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आपको सेटिंग करना है, और सेटिंग करने के बाद गाइस आपको इसका ग्रीन स्क्रीन को आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मैंने इसका ग्रीन स्क्रीन कलर को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद ही सबको यहाँ पे टिक करना है, और टिक करने के बाद इस आपको करने के इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से जूम करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कर देना है। करने के बाद इस आपको करने के इसके लास्ट पे आना है, और ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस आपको इससे कैंची का ऑप्शन में क्लिक कर देना, और ट्रिम टू ऐड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है।
कट करने के बाद इस आपको करने के इसके आपको ऑडियो को ऑप्शन पे जाना है, इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है और लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे आपको चले आना है। मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे एक ये वाली पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस आपको करने के इसको इस तरीके से आपको जूम करना है, और जूम करने के बाद इस आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस आपको करने के इसकी लेंथ को खींच के आपको बिल्कुल लास्ट तक लेके जाना है, और लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से होने के बाद इस आपको करने के इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद इस आपको इसको हल्का सा नीचे को ऐड कर देना है, और नीचे को ऐड करने के बाद इस आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस आपको इसकी स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन आपको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे किए वाले ट्री पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इसको इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस आपको करने के इसकी आपको क्रोपिंग पे जाना है, और इसका इस तरीके से इसको क्रोप करके इसका मास्क इनेबल करना है आपको, और इसका फेदर इस तरीके से बढ़ा देना है, और बढ़ाने के बाद इस आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इस आपको इस ट्री को खींच के इस तरीके से जूम करना है, और जूम करने के बाद इस आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हल्का सा और हल्का छोटा करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐड करने के बाद इस आपको करने के आपको इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको ले जाना है, और लास्ट तक लेके जाने के बाद इस आपको करने के इस ट्री को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए इस आपको इस थ्रोड पे क्लिक करना है, और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। और डुप्लीकेट करने के बाद इस आपको एक को उठा के इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इधर पे लेके आना है, और इधर पे लेके आने के बाद इस आपको इस थ्रोड पे क्लिक कर देना है, और इसको आपको सेंड टू बैक करके आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको लेयर पे क्लिक कर देना है। देन आपको मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे एक ये वाली स्टोन पीएनजी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस आपको इसकी क्रोपिंग पे जाना है, और इसका मास्क इनेबल करके इसका फेदर आपको फुल कर देना है। फेदर फुल करने के बाद इस आपको टिक करना होगा, और टिक करने के बाद इस आपको इसको इस तरीके से जूम करके आपको यहाँ पे ट्री के पास में इसको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद इस आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद इस आपकी इसकी लेंथ को खींच के आपको लास्ट तक लेके चले आना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है, और लेयर पे क्लिक करना। देन आपको मीडिया पे चले आना है, और मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करना ही है। यहाँ पे आपको एक अपनी गर्ल की पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप जो भी अपनी गर्ल पीएनजी को ऐड करना चाहें, तो इस तरीके से अपनी गर्ल पीएनजी को आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टोन के ऊपर आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे इस स्टोन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे लेके आना है, और इस स्टोन पीएनजी के ऊपर आपको इस तरीके से इस गर्ल को बैठा देना है। तो इस तरीके से बिठाने के बाद इस आपको टिक करना है। टिक करने के बाद इस आपकी इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक लेके चले आना है आपको, और लास्ट तक लेके जाने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको मीडिया पे चले आना है। मीडिया पे जाने के बाद इस आपको यहाँ पे एक अपनी पीएनजी को ऐड कर लेना है, जो भी आप अपनी पीएनजी ऐड करना चाहें तो इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद इस देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस आपको इसको इस तरीके से अंदर की ओर लेके जाना है, और इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके चले जाना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद इस आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाना है, और आगे आने के बाद इस आपको यहाँ पे चाबी के आइकन पे क्लिक करना है, और प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद इस आपको इसको खींच के इस तरीके से यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पे इस तरीके से लेके आने के बाद इस आपको इसके लास्ट पे आना है, और यहाँ पे एक प्लस दे देना है चाबी के आइकन पे क्लिक करके, और इसको आपको इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पे लेके आ जाना है। तो यहाँ पे लेके आने का इस आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने का इस आपको लेयर पे क्लिक कर देना है। देन आपको मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाने के बाद इस आपको यहाँ पे एक ये वाली पीएनजी का लिंक मिलेगा, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस आपको करने का इसकी क्रोपिंग पे जाना है, और इसका एक तरफ का भाग को आपको क्रोप कर देना है।
क्रॉप करने का देश आपको इसका मास्क निवेल करके इसका फेदर आपको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने का देश आपको टिक कर देना होगा और इसकी लेंथ को खींच के इस तरीके से जूम कर देना है। और जूम करने का देश आपको इस तरीके से अंदर की ओर इसको छिपा देना है और इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको कर देना है। लास्ट तक करने का देश आपको करने के है यहाँ पे आपने जो बॉय की पिंजी को ऐड किया था उस पिंजी के ऊपर अपना क्लिक कर देना है और जहाँ पे आपने चाबी का आइकन दिया है उस ही जगह आके इस वाले ट्री वाले पिंजी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इस चाबी के आइकन पे क्लिक करके प्लस कर देना है और इसको इस तरीके से खींच के यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद इस आपको बिल्कुल लास्ट पे आना है जहाँ पे आपने बॉय वाले पिंजी पे प्लस दिया है उसी वाले पिंजी के ऊपर अपना क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस आपको चाबी के आइकन पे क्लिक करना है और प्लस करके इसको भी इस तरीके से मूव कराते हुए यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे लेके आने के बाद इस आपको इस तरीके से टिक करना है। टिक करने के बाद इस आपको अपने बॉय पिंजी के ऊपर क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको ब्रिक टू फ्रंट कर लेना है। ब्रिक टू फ्रंट करने के बाद इस देख सकते हैं यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से हो गया है। इस तरीके से होने के बाद इस आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद इस आपको करने के आपको बिल्कुल इस तरीके से आ जाना है और इसको इस तरीके से अपनी बॉय की पीएनजी को इस तरीके से रख लेना है और रखने के बाद इस आपको आगे की ओर आना है और इसको इस तरीके से मैच करा देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो थोड़ा सा मैच हो गया है। तो इसी तरीके से आपको मैच करा के ऐड कर लेना है। ऐड करने का इस आपको स्टार्टिंग पे आना है, लेयर पे क्लिक करना, देन आपको मीडिया पे चले आना है और मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करने के आपको एक ये वाली पीएनजी को भी आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस आपको इसकी क्रॉपिंग पे जाना है और इसका मास्क इनेबल करके इसका फेदर आपको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद इस आपको करने के इस पीएनजी के ऊपर क्लिक करना और इस तरीके से इसको जूम करके आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐड करने के बाद इस आपको इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक लेके जाना है और लास्ट तक लेके जाने के बाद इस आपको यहाँ पे इतना आगे आ जाना है और इस चाबी के आइकन पे क्लिक करके प्लस कर देना है और इसको इस तरीके से यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे करने के बाद इस आपको थोड़ा सा और आगे आना है और इस पर प्लस करके इस तरीके से ऊपर की ओर इस तरीके से कर देना है और इसको और आगे आना है थोड़ा सा और इसको इस तरीके से ऊपर की ओर आपको लेके जाना है। इस तरीके से लेके जाने के बाद इस आपको थोड़ा सा और आगे आ जाना है। तो इसको इसको इस तरीके से आपको मूव कराते हुए इस तरीके से अंदर की ओर कर देना है और लास्ट पे आके इस पर प्लस दे देना है और इसको इस तरीके से बिल्कुल अंदर कर देना है। अंदर करने का देश आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने का देश आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, देन आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना है और मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद इस आपको करने के यहाँ पे आपको एक लिरिक्स वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अगर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इस तरीके से इसको ऊपर की ओर इस तरीके से लेके आना है और नीचे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना है और इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर रख देना है और इससे बैक हो जाना है और बैक होने के बाद इस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको सेंड टू बैक करना है और नीचे आपको ऊपर की ओर जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है और इसका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन आपको बढ़ा देना है और यहाँ पे वाइब्रेशन भी आप बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें और यहाँ पे इसको टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हैं, आपको जैसे सही लगे अपने हिसाब से बढ़ा देना। और बढ़ाने के बाद इस आपको यहाँ पे बैक होना है और लास्ट पे आके आपको कैंची के ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम ट्राइड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा वाक कट कर देना है। एक्स्ट्रा वाक कट करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको यहाँ पे करने क्या है, आपको सिंपली लेयर पे क्लिक कर देना होगा और आपको यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन मिल रहा है तो स्टिकर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है आपको। और क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करके स्नो ब्लोवर वाले स्टिकर को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इस आप यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद इस आपको इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद इस आपको करना ही क्या है, इसकी लेंथ को आपको खींच के लास्ट तक लेके जाना है और लास्ट तक लेके जाने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन में क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद इस आपको यहाँ पे करने क्या है, यहाँ पे आपको एक फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अगर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद इस आपको इस थ्रीरोड पे क्लिक करना है आपको और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड करके इसकी लेंथ को आपको खींच के लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने के बाद गाइस देख सकते हैं वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया। तो यहाँ
तो यहाँ पे मैं गाइस आपको इसको एक बार ओपन करके इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो वीडियो काफी कमाल का बन गया है। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करने क्या होगा, आपको यहाँ पे ऊपर की ओर एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है, तो एरो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे 1080 रेशियो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो जैसे ही ये लाइन पूरी हो जाएगी तो गाइस आपका वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है।